तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह की मिल्किंग अपनी पूरी हो चुकी है। हमारा दूध पीना छोड़ के माँ के साथ मस्ती कर रहा है और हमने सभी गाय को अभी खुराक रखी है। सभी गाय बढ़िया से खुराक खा रही है, ये रही सारी, और मंगल भी खा रहा है। मंगल की थोड़ी खानी हो जाए फिर हम महाराज और तुलसी को खिलाएंगे। महाराज का दूध से ही दूध पीना हो जाता है, भाई साहब फिर परेशान नहीं करता अपनी माँ को, खेलता है और खुराक भी खाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपनी माँ का फिर वो दूध पीने नहीं जाता अगर उसका एक बार पीना हो जाए। और तुलसी है जो कि अपनी माँ को छोड़ती नहीं, जब तक हम उसको फार्म से बाहर नहीं निकालेंगे, अपनी माँ से दूर नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी माँ को छोड़ती नहीं। दूध भले ही ना हो थनों में फिर वो दूध पीने का काम करती रहती। वैसे अपना महाराज बिल्कुल नहीं करता, जैसे उधर दूध ख़त्म हो जाए अपनी माँ को परेशान नहीं करता, सीधा खुराक खाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा खेलने। तुलसी बिल्कुल नहीं जाती, उसको ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। तो थोड़ी देर में गाय हम खोलेंगे अपने कपास के खेत में। हम तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे बिना दूध वालों को लेके। छोटा भाई इनको खोल देगा थोड़ी देर में। जो खेत है चारी के ऊपर जो पानी है खेत में, वो पानी जैसे हट जाए फिर इन सबको छोटा भाई खोल देगा। और महाराज तुलसी सब अभी बाहर निकल जाएंगे, थोड़े टाइम बाद इनको फार्म के अंदर ले लेंगे जब गाय बाहर जाएंगी। जब गाय अंदर होती है तो महाराज और तुलसी बाहर रहते हैं, जब गाय बाहर रहती है तब महाराज और तुलसी अंदर रहते हैं। आरती और आरती की माँ इन दोनों को खुराक मिलती नहीं है, मतलब आरती को मिलती, आरती की माँ को नहीं मिलती। आरती को थोड़ी मिलती, अभी आरती लंगड़ा की बिल्कुल नहीं चलती, दोनों पैर ठीक हो गए, लेकिन उधर जाती है तो उसको गर्मी लगती। तो अभी इसी फार्म पर रहने वाली वो, बाकी और कोई काम यहाँ पर बाकी नहीं है। खेत में मकई काटने का काम आज फिर से शुरू हो चुका है सुबह में, तो आज लगभग खेत का काम जो है मकई काटने का वो कंप्लीट कर देंगे घर के ही लोग। और बाहर में राम जी और गौरी है दोनों, तो इन दोनों को भी बांध के बांध देगा छोटा भाई हरा चारा खाने, और मंगल को भी। तो थोड़ी देर में ये भी जाएंगे। हम अभी उस वाले फार्म की सफाई करके आते हैं, फिर वो सफाई करने के बाद खाना खाएंगे और जाएंगे सीधा उस वाले फार्म की गाय लेके चराने को। इन सबको खोले काफ़ी टाइम हो गया, और अभी अपने साथ और एक झुंड था जो कि दूध वाली गाय लेके आए थे, और वो अभी चले गए। थोड़ी धूप तेज़ हो गई और 10:30 बज गए, तो बोल रहे कि दूध वाली गाय जो कि अभी इनको ले जाने का टाइम है फार्म पे, तो लेके चले गए। उनकी बिना दूध की गाय अभी तक खुली नहीं है, और थोड़ी देर में उन गाय को बांध के आएंगे दूध वाली को और बिना दूध की लेके आएंगे। और एक जो झुंड है बिना दूध वाली गायों का वो आ चुका है, लेकिन अभी दूरी पे अब तक अपने पास नहीं आया। अभी सिर्फ हम इस जगह पे अकेले हैं, जो दूध वाली गायों का झुंड था वो भी यहाँ से गया है। तो अभी हम इनको चराएंगे अकेले ही अपने झुंड को, थोड़ी देर में और दो झुंड नज़दीक हो आ जाएंगे। अभी तीनों झुंड एक साथ हो चुके हैं, और उसमें भी एक झुंड थोड़ा अलग है, बाकी दो झुंड मिक्स हो गए अपना और एक झुंड जो कि अभी साथ में यहाँ पे चारा खा रहे हैं। और एक जो झुंड है वो थोड़ा आगे उधर इस साइड में गया है पेड़ के उस साइड, और हम भी उधर की साइड अभी इनको लेके जा रहे हैं। इस साइड में चारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इस साइड में गाय काफ़ी दिनों बाद आई है, और यहाँ पे पूरा नीचे गीला है तो गाय अच्छे से चारा नहीं खा रही, सब चल रही है देखो। और चारा काफ़ी बड़ा है, और इनका पेट भरने में अगर सूखी जगह रहती, गाय अगर सब एकदम बढ़िया से चारा खाती तो कम से कम इनको 1 घंटा लगता और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। तो इतने टाइम में अपने सभी गाय का पेट हो जाता फुल, इतना बड़ा यहाँ पे चारा है लेकिन खा कोई नहीं रहा क्योंकि पूरा गीला है नीचे। तो यहाँ पे कोई समस्या है नहीं चारे की, लेकिन खा नहीं पा रहे क्योंकि पूरा गीला है। और इस साइड में भी बिल्कुल वही हाल है, लेकिन इस साइड में थोड़ा ज़्यादा पानी, इसलिए हम इस साइड में नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या बढ़िया चारा है, ये जो चारा है इस जगह को छोड़ के आपको और कहीं भी जितनी बार मैंने वीडियो दिखाया कि हम अलग अलग जगह इनको लेके जाते हैं, तो आपने दूसरी जगहों में ऐसा कभी चारा देखा नहीं होगा जितना चारा यहाँ पे बड़ा हुआ है। ये देखो इस साइड में भी देखो कितना बड़ा है, और इस साइड में भी देखो इतना चारा है कि क्या ही बताऊँ, लेकिन नीचे गीला है तो गीले की वजह से खा नहीं रहे, बाकी और कोई समस्या नहीं। ये देखो सामने कुछ गाय बंदी है, और चारे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे पूरा गीला है, कीचड़ है नीचे, तो कीचड़ के लिए गाय चारा नहीं खा रही, बाकी कुछ चारा गिर चुका है सामने अपने सभी शैतान। तो पेड़ों से होके उन तक पहुँच तो गए हैं, अभी इनको वापस ऊपर की साइड लेके चलेंगे। नीचे की साइड चारा है लेकिन खा नहीं पा रहे, जहाँ पे चारा है वहाँ पे खा नहीं पा रहे, जहाँ पे चारा नहीं है। इस साइड में देखो रास्ते पे भी पानी बह रहा है,
तो इस साइड में भी सिर्फ गीला है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं बहता है, तो उस साइड में चारा नहीं खा पा रहा गीला इसलिए, और रास्ते में तो अभी तक पानी बह रहा है यही से वो पानी पी रहा है थोड़ा बहुत। देखो सामने एक पूरा उन्होंने एक गट्टा खोद के झुंड बना लिया, वहाँ पे सब लोग पानी पी रहे हैं, और बाकी जो हमारे साथ और जो झुंड थे वो तो अपनी गाय लेके निकल रहे बाहर, और हम भी अभी इनको लेके चलेंगे बाहर, वहाँ पे पानी पियेंगे। रास्ते के अंदर पानी है, ऊपर गीला है, और खाना यहाँ पे चारा कोई नहीं चाहता गीला, इसलिए हम अभी सूखी जगह ऊपर की साइड इनको लेके जाएंगे। अपने सारे शैतान प्यासे हो चुके हैं, और देखो एक भी चारा नहीं खा रहा, सीधा चल के आ रहा है, और इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो ये सीधा जाएंगे पानी पे। तो अभी इनको जाने देते हैं, बढ़िया से पानी पिला लेते हैं। आज सभी शैतानों के मजे ही मजे हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी सारा चारा मिल गया जो कि अभी ये सब खाएंगे, और कुछ डल भी गया है और कुछ अभी डालना बाकी। सभी लोग अभी यही देख रहे हैं, और भाई साहब अभी उठा उठा के ले जा रहे हैं चारा, और इन सबको डाला जा रहा है। चारा इतना सारा है कि सबका पेट फुल हो जाएगा, और अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही झुंड है, एक झुंड आना बाकी है, वो भी इधर ही आएगा और इन सबको चारा वो भी खिला लेगा। सामने वाले खेत में काफ़ी सारा चारा हो गया, तो वो खेत से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, तो हम वही उठा के अभी अपने सभी शैतानों को डालने वाले, और ये सब वही खाएंगे। बोला जी चिट जा जाए ओ अबे आपका तो पसरा है ना, अरे पसरा नाड़ी चट्टा लागा ना माली अभी मूंगफली पूरी तरीके से पक चुकी है, और पिछले 6 या 7 दिनों से एक या दो ही दिन इनको पकाया नहीं, हर दिन हम यही खा रहे हैं, तो अभी पका लिए, बहुत बढ़िया से खा लेते इनको। अभी हम इनको फार्म की तरफ ले जा रहे हैं, सबका पेट फुल हो गया क्योंकि जो खेत का चारा निकला था वो हमने इनको डाल दिया था, इन्होंने बढ़िया से खा लिया, पानी भी इन्होंने आज एक ही बार पिया, तो दूसरी बार अपने फार्म पे पी लेंगे। तो फार्म के हम अभी नज़दीक आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके हम उधर ही जाएंगे आराम से, और थोड़े टाइम में हम इनको बंद करेंगे लगभग 5:30 बजे के आसपास। तो अभी हम फार्म की तरफ ही पहुंच रहे हैं, सब लोग प्यासे हो चुके हैं, और सब लोग आ रहे हैं अभी एक एक करके पानी पीने। देखो कुछ का पीना हो गया, कुछ लोग अभी तक पी रहे हैं, और सबको पानी पीने के बाद एकदम आराम लगेगा क्योंकि चारा इन्होंने काफ़ी खाया है, तो पानी पीने को काफ़ी लगेगा। एक ही बार उधर पिया है तो दूसरी बार इधर सब लोग पी लेंगे बढ़िया से। अभी सिर्फ बड़े आए हैं, छोटे बच्चे आने बाकी है, अभी रास्ते में ये भागते हुए आ गए आगे, तो इनका पीना हो गया तो अभी इनको यहाँ से हटा देते हैं, फिर छोटे बच्चे आएंगे और बाद में वो सब भी पी लेंगे। ये देखो ऐसे मारते हैं बड़े, तो इनको अगर यहाँ से हटा दिया तो छोटे बच्चों को आने में और पीने में आसानी होती है। लक्ष्मी का भी पीना बाकी है, लक्ष्मी पी लेगी। ये देखो ये बुल लक्ष्मी को भगा रहा है, लक्ष्मी आएगी
कपिला आएगी, गुड़िया आएगी, इन सब का पीना बाकी, ये सब भी पानी पियेंगे। और छोटे बच्चे कुछ आने बाकी, चुटकू ने वही रास्ते में पी लिया तो अंदर गया सीधा, देखो फार्म के अंदर एंट्री ले रहा है। बाकी कुछ है जो कि इधर आएंगे पानी पीने। सभी को हमने आज ढोल कर दिया क्योंकि चारा हमें आज अच्छा ही मिल गया था। तो सब अभी देखो ये बच्ची है, ढोल है, परी भी है और अपने सुमन भी, लेकिन सुमन ने अच्छा चारा उधर खाया नहीं, ये सिर्फ उससे भी अच्छा ढूंढ रही थी, और जो कि मैंने उसको थोड़ा ला के दिया भी था, उसने खाया भी था, और बाकी सब ने फिर जो हमने डाला था वही खाया। और सब लोग ढोल हो चुके हैं एकदम बढ़िया से, बाहर में कुछ बांध दिए, अंदर में कुछ बंद है। तो हमारे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि विक्रम को आज बहन या फिर भाई होने वाला है, तो हम अभी उधर जाएंगे तब हमें समझ में आएगा। सामने राम जी और गौरी मंगल, इन दोनों की तरह खानी हो चुकी है, दूध की कैन भी रख दी है, अभी थोड़ी देर में दूध निकलेगा। सामने है अपने राम जी, सॉरी महाराज, तुलसी दोनों, और इनका दोस्त या फिर उनकी दोस्त मेल या फीमेल कुछ ही मिनट में हमें पता चल जाएगा। और बाकी सभी गाँव की खुराक खानी हो चुकी है, सभी बंद हैं अपने खुद के कपास के खेत में चारा खाने जा रहे हैं। तो इनके लिए चारा आज अब तक डाला नहीं है, डालना है या फिर नहीं वो अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। चारा तो यहाँ पे डाला नहीं है, तो डालेंगे तो भी पता चलेगा या फिर नहीं डाल। सामने मकई के खेत में देखो, मकई को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया, आज पूरा काटने का काम उन्होंने कर लिया, तो अभी इकट्ठा करने का काम शुरू है जो कि अभी बंद कर देंगे, कल से फिर से शुरू होगा। तीन दिन में मतलब दो दिन में दो एकड़ काट दी, मतलब चार लोगों ने चार दिन में चार एकड़ काट दी, तो अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, जो कि बाहर के मजदूरों से बिल्कुल नहीं होता, और अपने घर के लोगों ने पूरा उसको फिनिश कर दिया। तो अभी तक तो विक्रम की माँ ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन हम दूध निकालेंगे उतने टाइम में, देखते हैं कि बच्चे का जन्म होता है या फिर बाद में टाइम लगता है। लेकिन आज पूरी रात जागना पड़ेगा और आज सोना बहुत मुश्किल से होगा, आज पूरी रात जागते ही गुजारनी है। विक्रम की माँ जब तक बैठेगी नहीं तब तक कोई हल निकलेगा नहीं, लेकिन वो बैठ नहीं रही, घूम रही इधर उधर, और अभी रात ही हो जाएगी और पूरी रात हमें जग के अभी निकालनी पड़ेगी। महाराज की माँ भी चारा नहीं खा रही और बाकी सब लोग खा रहे, सूखा चारा भी डाल दिया है, जिनको खाना है वो खा सके, जिनको नहीं खाना वो ना खाए। और विक्रम की माँ अभी उसके पेट में दर्द है तो नहीं खाएगी, लेकिन वो एक जगह बैठ भी नहीं रही, अगर बैठ जाती तो जल्दी कुछ हल निकल जाता, लेकिन वो बैठती ही नहीं है, सिर्फ चल रही इधर उधर, चारा भी नहीं खा रही, महाराज की माँ भी नहीं खा रही, वो भी एक ही जगह खड़ी है। और सामने आरती और आरती की माँ, आरती की माँ निकल रही बाहर, इधर हो, इधर इधर, ये निकल गई, रुक 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 जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो निकल गई, गेट खुला छोड़ जा, पिता जा रहे आगे उधर से, ये भी गेट पे खड़ा रहना पड़ेगा, अगर मैं निकल गया साइड तो बाकी सब भी निकलेंगे। अंदर जा, आरती भी निकल रही है, चलो जाओ जाओ जाओ। तो सब लोग आ गए अंदर, और सेफ्टी में छोटे बच्चे बंद हो गए, डॉक्टर भी छोटे भाई ने खाना दे दिया, बाकी सब काम हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो हमें विक्रम का भाई या फिर बहन सुबह ही देखने को मिलेगी।